बुलेटिन की शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खासम खास अमित शाह से, जो भाजपा के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। आज भाजपा संसदीय दल की बैठक के बाद सर्वसम्मति से शाह के नाम पर मुहर लग चुकी है। पूर्व भाजपा अध्यक्ष और गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने शाह के नाम पर ऐलान किया है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लालकृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज सहित तमाम नेता मौजूद दिखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी सहयोगी अमित शाह आज भाजपा के नए अध्यक्ष बने। अमित शाह का बीजेपी अध्यक्ष बनना लगभग तय था। भाजपा के शीर्ष रणनीतिकारों की बैठक में आज शाह को पार्टी का अध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा की गई। जिस प्रकार की शानदार सफलता उन्होंने उत्तर प्रदेश में दिलाई है, मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में उत्तर प्रदेश में वैसी शानदार सफलता कभी नहीं हासिल हुई है। इसीलिए हम सभी ने सोच विचार कर यह फैसला किया कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी श्री अमित शाह जी को सौंपनी चाहिए और हम लोगों ने आज उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया है। मैं अपनी तरफ से और अपने सभी वरिष्ठ सहयोगियों की तरफ से उनको हार्दिक बधाई देता हूं, उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस मौके पर वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, नितिन गडकरी, अनंत कुमार समेत बोर्ड के बाकी सदस्य भी मौजूद रहे। नए अध्यक्ष की दौड़ में जेपी नड्डा और ओम प्रकाश माथुर भी शामिल थे, लेकिन अमित शाह सबसे आगे थे। शाह गृह मंत्री और पूर्व भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह का स्थान लेंगे। संसदीय बोर्ड की बैठक आज दोपहर बीजेपी मुख्यालय में हुई। बैठक में अध्यक्ष के नाम पर फैसला हुआ और अंतिम मुहर लगा दी गई। यूपी में भाजपा की पैठ बनाने का श्रेय पाने वाले शाह, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं के उत्तराधिकारी बनेंगे। इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि शाह वडोदरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, जो मोदी के इस्तीफे से खाली हुई है। इससे पहले अमित शाह भाजपा महासचिव थे। लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 में से 71 सीटों पर भाजपा की जीत के पीछे शाह की भूमिका अहम रही है। तेज कूटनीतिक और कुशल रणनीतिकार माने जाने वाले गुजरात के पूर्व गृह मंत्री शाह मोदी के विश्वास पात्र, राजनीतिक सहयोगी और मुख्य रणनीतिकार हैं। 2010 में सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ मामले में नाम आने के बाद उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था।